क्या नाम हुआ और कहाँ से आप आए हैं और अभी आप फिलहाल कहाँ हैं? सबसे पहले तो जोहार सर, और आपके दर्शकों को भी जोहार। हाँ, मैं झारखंड के बोकारो जिले का रहने वाला हूँ। हाँ। जैनम और मेरा घर वहाँ से। ठीक है। वहाँ से मैं झारखंड के पूरे 2400 जिला में पद यात्रा कर रहा हूँ पैदल। हाँ। हाँ। यथासंभव, और ऐसा नहीं कि सिर्फ मेन रोड में, इंटीरियर में भी। हाँ। ताकि मैं झारखंड की कला संस्कृति, यहाँ का इतिहास, यहाँ के पुरातात्विक पौराणिक धार्मिक ऐतिहासिक पर्यटन स्थल, इन सभी चीज़ों को एक्सप्लोर करके उन लोगों तक अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रचार प्रसार करूं, जो लोग पूछते हैं झारखंड कहाँ पे है, या फिर झारखंडियों को बाहर में जो सताते हैं, प्रताड़ित करते हैं, तो उनके लिए मैं एक आंसर देना चाहता हूं। तो इसलिए मैं पूरे झारखंड के 2400 जिला में घूम रहा हूं। अभी आपके पास सुविधा क्या है, कैसे घूमते हैं? मैं पैदल घूमता हूं मोस्टली। बहुत मौसम खराब हो गई, जैसे बरसात में तबियत खराब हो गई, आए दिन अभी बरसात में हो रही है, उस केस में कहीं ना कहीं लिफ्ट ले लेता हूं, क्योंकि डॉक्टर का भी ये कहना है कि आप थोड़ा सा अपने बॉडी को रेस्ट दे, क्योंकि अभी तकरीबन 3000 किलोमीटर की यात्रा जो है वो हो गई, सॉरी 3100 किलोमीटर की। 3100 किलोमीटर पैदल चल दिए जी। मैं 18 दिसंबर 2022 को घर से निकला। 18 दिसंबर 2022 जी। अभी लगभग लगभग एक साल कंप्लीट होने वाला है। जी, जी, जी। अभी दिसंबर आने आ जाएगा तो एक साल कंप्लीट हो जाएगा। एक साल जब आप चलते हैं 3100 जो चले 3100, क्या शरीर में थकान, दर्द या पैर में ऐसा कुछ नहीं होता है? देखिए, रोबोट तो नहीं हूं, जाहिर सी बात इंसान हूं, मेरे साथ भी वही चीजें होती हैं जो आपके साथ होती हैं, आपको इतना चलने पे होती है। बट यू कह लें कि चूंकि मेरे झारखंड को ये चीज़ें ज़रूरत है, इसलिए मैं ये कर पा रहा हूँ। और कई सारे लोग हैं जिससे 20 में से एक लोग जरूर आ जाते हैं, जो इस बात को समझते हैं कि जो मैं काम कर रहा हूँ ये बहुत ज़रूरी हो गया, कि जो कि जब अब हम जो अब युवा पीढ़ी का जो काम हो गया कि झारखंड के प्रति लोगों के जो विचार हैं वो बदले, जो झारखंड को दिखाएं। लोग झारखंड को बहुत ज़्यादा देखे नहीं, किताबों से जानते नहीं, किताबों में जगह नहीं मिला। तो मैं झारखंड के बारे में जहाँ तक, जैसे ये 13वां जिला है सर, बोकारो से निकल के बोकारो रामगढ़ रांची, कौन कौन जिला भी आप घूमे? जी जी जी, वही बता रहा हूँ, बोकारो रामगढ़ रांची, सरायकेला खारसुआ, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम, खूंटी, सिमडेगा, गुमला, लोहरदगा, लातेहार, पलामू और ये गढ़वा हुआ। जी जी। तो इन सभी चीज़ों को जो है अपने YouTube चैनल के माध्यम से एक्सप्लोर करके, जितने भी, ऐसा नहीं कि फेमस चीज़ें, जो चीज़ें नहीं जानते हैं लोग, जो यहाँ की कला संस्कृति, उन चीज़ों को भी एक्सप्लोर करके अपने YouTube चैनल के माध्यम से दिखा रहा हूँ, ताकि लोग झारखंड को जानेंगे तो यहाँ के लोगों को बाहर में भी रेस्पेक्ट करेंगे, और झारखंड भी घूमने के लिए जब आएंगे तो यहाँ के लोग, झारखंड का एक एक चीज़ को अगर आपको दिखाना है, यहाँ पर क्या क्या अच्छाई चीज़ है और क्या क्या है, तो उसका सुविधा जो है आप बाइक का ले सकते थे, कार का ले सकते थे, अन्य सुविधा ले सकते, लेकिन ये पैदल ही क्यों, इसका पीछे क्या राज है? देखिए, मैं उस क्लास फैमिली से आता हूँ, जैसे लोग बोलते हैं सेकंड क्लास बीजे, बिल्कुल नहीं, मैं थर्ड क्लास के सेकंड क्लास फैमिली से आता हूँ। मेरे पास ना साइकिल है ना बाइक है। एक और भी बात है कि कनेक्टिविटी, वो कनेक्टिविटी नहीं हो पाती हमारी, जैसे मुझे पहाड़ों को भी विजिट करना है, कई बार अगर साइकिल से भी घूमने के लिए निकलते मेरे लिए परेशानी का सबब बन सकता था, इसलिए मैंने अंतिम निर्णय जो लिया कि पैदल ही चलते हैं, और यही तो दिखाना है कि यहाँ के लोग कितने अच्छे हैं। तो जब पैदल कनेक्टिविटी करेंगे, बिना पैसों का ये यात्रा कर रहा हूँ, तो कुछ लोग तो खिलाते पिलाते हैं, कहीं कोई सोने के लिए इनवाइट करते हैं, तो वही चीज़ें तो मुझे दिखाना है कि झारखंड के लोग वैसे नहीं है जैसे आप सोच रहे हैं। तो आप अपनी मानसिकता चेंज करें, देखिए हमारे झारखंड के लोग अच्छे हैं, भोका मानुष नहीं है, भोले भाले हैं। आपके बारे में तो सबको नहीं जानता है, जी आपको देख लिया, कोई खाना खिला दिया या सहयोग कर दिया, ये सब कैसे प्राप्त होता है सहयोग? देखिए, अभी के टाइम पे क्या है ना कि थोड़ा बहुत लोग सोशल मीडिया से जानते हैं मुझे, क्योंकि मैं आए दिन रोज वीडियोस डाल रहा हूँ अपने यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, तो लोग थोड़ा बहुत जान रहे। कई बार तो आप जैसे भाइयों ने मेरी हेल्प की है कि भाई अगर कुछ अच्छा काम कर तो प्रचार प्रसार कर दे, ताकि आगे लोग उनको कुछ खाना खिला दे, कुछ अच्छे लोग समाज में तो होते ही हैं, तो वो चीज़ें जो है वो काम करने लगी है। और जैसे जैसे जो लोग मुझे रास्तों में देख रहे हैं वो मेरे बारे में स्वतः चर्चा कर दे रहे हैं, क्योंकि झारखंड से इस वक्त, जैसे आप जैसे पत्रकारों ने मुझे बताया कि इस वक्त मैं पदयात्रा करने वाला जो 18 दिसंबर से चला हूँ, सबसे लंबा झारखंड में पहली बार मैं ही कर रहा हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मैं कोई अपने धार्मिक अनुष्ठान के लिए नहीं कर रहा हूँ, और ना ही किसी भी तरीके के मतलब पार्टी पॉलिटिक्स से मैं जुड़ा हूँ, मैं समस्त झारखंड वासियों को के लिए कर रहा हूँ, स्कूल कॉलेज में विजिट करके उनको आगे की चीज़ें जो हो पाएंगी अच्छी, वो चीज़ें बता रहा हूँ। अच्छा ये बताएं, अभी तो गर्मी का मौसम है, आप ये स्वेटर पहने, स्वेटर वेटर, काफ़ी गर्मी लग रहा होगा, ये बर्दाश्त कैसे कर पा रहे हैं? देखिए मौसम ऐसा है कि ठंड गर्मी बरसात मुझे सब में चलना है, और उसके लिए मैंने एक बीच का रास्ता निकाला कि मैं सारे मौसम में स्वस्थ कैसे होऊंगा। तो चाय कॉफी कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीता, नॉनवेज वगैरह नहीं खाता, बट इसके साथ साथ इस आवरण को भी लेकर के चला हूं, ताकि डायरेक्ट सनलाइट ना पड़े, डायरेक्ट ठंडी हवाएं ना पड़े, मीडियम मेरा बॉडी बना रहे, ताकि मैं कहीं स्वेटर खोलूं तो अचानक से बीमार ना पड़ जाऊं। इस चीज़ की वजह से ये थोड़ी ज़्यादा मोटी कपड़े नहीं है, हल्की मोटी कपड़े हैं, जो बॉर्डर में सैनिक यूज करते हैं लगभग वैसे ही है। क्या नाम बताएं? मेरा नाम आर्य गुप्ता हुआ। ये जो देश का जो आन बान शान है तिरंगा, आप इसको क्यों लेके चल रहे हैं, क्या इसका क्या संकेत? पहले तो मैं थोड़ा सा पीछे मुड़ के आपके दर्शकों को दिखाना चाहूंगा मेरा बैग, और उसके बाद फिर मैं इसको क्लियर। इनका बैग जो है पूरा का पूरा ये लबलब भरा हुआ है,
टोपी है, पानी है, फिर बैग में आपका सामान वामान है क्या, इसमें बिस्तर उस्तर भी लेके चलते हैं क्या? हाँ, सब कुछ है। पहले हाँ। तो मैं झंडे से बात क्लियर कर दूं। हाँ, झंडा जो है वो एक प्रधान अध्यापिका ने दी थी। हाँ। प्रथम बार उनसे मुलाकात हुई थी बोकारो में, तो उन्होंने बोला कि आप जो काम कर रहे हैं आप डिजर्व करते हैं कि एक तिरंगा लेकर के चले जी, बिकॉज क्योंकि ये जो झारखंड के लिए इनिशिएटिव है। अब रही बात मेरी बैग की, तो सर जो मैं ये अभी पदयात्रा कर रहा हूँ और जो मैं 18 दिसंबर से निकला, तो इस दरमियान मेरी जो चीज़ें यूज होंगी ठंड में गर्मी में, कुछ खाने के लिए बर्तने रखी है, कंबले वगैरह रखी, बेडशीट रखे हैं, दो एक और ऐसी मोटी वाली थोड़ी सी स्वेटर है, उसके बाद फिर कुछ कपड़े हैं मेरे और बस कुछ मूलभूत इकाई वाली चीज़ें जो जो यूज हो जाए मेरे इस यात्रा। रात को आप सोते क्या पर हैं, कैसे सोते हैं? बेसिकली मंदिर या धर्मशाला में सोना होता है, क्योंकि कई सारे लोग इस चीज़ को नहीं समझते, खास करके शाम होने पे, तो मंदिर या धर्मशाला में लोगों से अप्रोच करके सोता है, या फिर कुछ लोग निमंत्रण देते हैं अपने यहाँ पे, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समाज से जुड़े हुए और जानते हैं इन चीज़ों को, समझ पा रहे तो वो करते हैं। और कई बार ऐसा है कि प्रशासन ने भी मेरे को मदद करने की कोशिश की है कि नहीं बंदा है, और जो स्थिति में कभी कभी गुजर जाता हूँ तो कभी कहीं वो भी सोने के लिए व्यवस्था करते हैं। गढ़वा में आप कहाँ कहाँ घूमे और क्या अच्छा गढ़वा कैसा लगा? गढ़वा अति सुंदर है। मैं पहले मैं आपको बताऊं कि बड़ा खेत की बात है कि मैं बोकारो जिला से होते हुए भी मुझे एक ऐसी चीज़ जो हमारे गढ़वा को गढ़वा के लिए गर्व की बात है, लाइक हमारे यहाँ पे स्वतः जमीन से निकले हुए जो राजा रानी की कहानी थी, गढ़वा में श्री वंशीधर जी हैं जो 32 मन की सोने की मूर्ति मानी जाती बिल्कुल, है बिल्कुल। पूरे झारखंड नहीं, पूरे भारत भर के लिए गर्व की बात है ये। ये मैं झारखंड में ही रह करके मुझे ये नहीं पता था झारखंड की इस खूबसूरत चीज के बारे में, तो बिल्कुल इन्हीं चीजों के लिए मैं करने के लिए निकला हूँ। इसके साथ साथ प्राकृतिक सौंदर्यता मैं कहूँ सर, 12 राज्य में ऑलरेडी घूम चुका हूँ, नॉर्थ ईस्ट भी मैंने टच करा है, तो मैं यहाँ से जो केदार मंदिर की ओर गया हुआ तब बिल्कुल वहाँ के नज़ारे नॉर्थ ईस्ट की तरह लगती हैं। मुझे लगता है प्रशासन अगर थोड़ी सी अपनी पहल कर ले, जिसके वजह से मैं आज मिलने के लिए भी आया हूँ सर से, क्योंकि इस वक्त मैं पूरे झारखंड को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो कई बार ऐसा होता है जब मैं प्रशासन से इन चीज़ों के गुहार भी लगाता हूँ। गाँव वालों के लिए बहुत सारे यहाँ पे पर्यटन के जरिए लोगों का रोजगार जोड़ सकता है, ऐसी खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें हैं अपने गढ़वा में जी। अभी आपकी फिलहाल शादी उदी हुई है कि नहीं? नहीं नहीं नहीं, मैं मैरिड नहीं हूँ अभी, शादी नहीं की। घर वाले परेशान करते हैं कि नहीं? फोन करके जी क्या तुम ये कर रहे हो, क्या घूम रहे हो, कहीं अपना रोजी रोटी के तलाश में रहो, जॉब वॉब की तैयारी करो, पढ़ाई की, सब कुछ तो बोलते होंगे। बेसिकली मैं एक इंजीनियर हूँ, जूनियर इंजीनियर। आप इंजीनियर जी? मैं जूनियर इंजीनियर हूँ, तो इसके अलावा मैंने जॉब करा है। कोविड के टाइम में पास आउट हुआ जी, बट कोविड में नहीं, पर 2022 में मैंने जॉब के लिए महाराष्ट्र गया। हाँ। संक्षिप्त में बताना चाहूँ कि मैंने भी वो चीज़ें देखी जो चीज़ें के बारे में मैंने भी बताया कि बाहर में झारखंडियों के प्रति जो है दुर्विचार दुर्व्यवहार होता है, सेम हुआ। और मैं प्लानिंग 2020 से ही कर रहा था कि मैं झारखंड के लिए घूमूं, बहुत सारे लोगों को मैंने ये सौता किया। गढ़वा में क्या क्या आपको ऐसा चीज देखे जो आपको अच्छा नहीं लगा और ये सरकार को सुधार करनी चाहिए? मुझे लगता है ये काम हमारा है कि हम इन चीज़ों के बारे में आवाज़ उठाए जब हम देखें, तो जाहिर सी बात मैं इस वक्त झारखंड की सुंदरता दिखाने के लिए निकला हूँ, बट जब बात आती है कि इन चीज़ों की, तो बिल्कुल सड़कों की जो है थोड़ी सी व्यवस्था होनी चाहिए। गाँव में बहुत मूलभूत इकाइयों जो है वो भी नहीं है, और मैं ये बुराई नहीं कर रहा हूँ, गढ़वा जिला बड़ा खूबसूरत है, लोगों को भी जानना और जागरण का काम होना चाहिए कि ये जितने भी सरकार या प्रशासन वो हमारे लिए है, तो उनको भी आगे आकर के ये नहीं कि हिम्मत नहीं करेंगे बोल करके, तो हिम्मत करना चाहिए। और मुझे लगता है कि सड़कों पे थोड़ा विशेष ध्यान दे। मैं जो काम करने के लिए निकला हूँ उससे पर्यटन को भी ये मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा, बट घूमने के लिए लोग तब जाएंगे जब सड़कें होंगे। अदर डिस्ट्रिक्ट से गढ़वा को कैसा कंपेयर में नहीं करता हूँ, क्योंकि हर जगह की अपनी सुंदरता अलग है, बट मैंने जो बोला कि मुझे लगी कि थोड़ी सी, क्योंकि बरसात का टाइम है और बरसात में कहानियाँ बयां हो जाती है, गांव में मुझे लगता है थोड़ी सी दुरुस्त जो होनी चाहिए स्थिति परिस्थिति, और इसके साथ साथ शिक्षा में लोगों को बढ़ चढ़ करके, देखिए हर काम शासन प्रशासन का नहीं है, मेरे को लगता है कि कुछ काम जो है हम जो समाज सेवी है उसको आगे उठना चाहिए, इन चीज़ों के लिए आवाज़ उठाना चाहिए और ये करना भी चाहिए जी। बिल्कुल, एक ऐसा युवा है जो पूरे झारखंड में जो है पद यात्रा मतलब पैदल ये घूम कर पूरा देश दुनिया को दिखाना चाहते हैं, जो हमारा झारखंड जो है किसी अन्य राज्य से भी काफ़ी सुंदर राज्य है, और ये राज्य को जो है अपनी YouTube चैनल के माध्यम से पूरा देश दुनिया को दिखाने का कोशिश कर रहे हैं, और इसी विजन से इसी के एक लेकर एक सपना को लेकर पूरे झारखंड में घूम रहे हैं, और अभी तक लगभग जो है 13 जिला ये घूम चुके हैं, और बाकी के जिला जो है वो लगातार ये घूमते रहेंगे। जैसा कि इन्होंने बताया जी, हम लोग दिसंबर माह से निकले हुए हैं, और आपको पता होगा जी हम लोग जिस समय बाहर निकलते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, तो काफ़ी गर्मी महसूस होता है, बरसात के दिनों में हम लोगों का शरीर जो है भीग जाता है, ठंडी के मौसम में काफ़ी हम लोगों का शरीर जो है सिकुड़ जाता है, उस कंडीशन में अपने आप को अगर हम लोग देखेंगे तो कभी कभी हम लोग को महसूस होता है जब हम लोग चार दीवारी घर के अंदर रहें, अपनी व्यवस्था रहें, हीटर के यूज़ करें, कंबल का इस्तेमाल करें, हम लोग अपने आप को बचने का कोशिश करते हैं। लेकिन एक ऐसा युवा है झारखंड का जो बोकारो जिला से ये चल कर आए हुए, और ठंडी गर्मी बरसात
सारी मौसम जो है सिर्फ और सिर्फ इस स्वेटर पर, इस टी शर्ट पर जो है ये अपने आप को ये गुजारा और अपने बॉडी को उस रूप में जो है अपने आप को ढाल चुके हैं ताकि इसको इनको जो है बीमार नहीं पड़ना।